सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आप लोग कैसे बना सकते हो 24/7 जावा प्लस पॉकेट एडिशन नो हैकर्स एंड लैग फ्री एटरनॉस का माइनक्राफ्ट सर्वर। सो गाइस, मैं आप लोग को बता दूँ, ये सर्वर मैं आप लोग को एटरनॉस में बताने वाला हूँ, क्योंकि एटरनॉस ना बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एंड गाइस, एटरनॉस ना मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा साइट लगती है अपना माइनक्राफ्ट का सर्वर बनाने के लिए, वो भी फ्री में। सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सबसे मेन 24/7 सर्वर कैसे बना सकते हो आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। इसके लिए मैं आप लोग को एक प्लगइन बताने वाला हूँ, एंड बाकी के चीजों के लिए ना मैं आप लोग को बेस्ट प्लगइन्स बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो गाइस, बिना वेस्ट करते हुए चले आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने एटरनॉस की वेबसाइट ओपन कर ली है। आप लोग को सिंपली क्रिएटर सर्वर पे क्लिक कर लेना है। मैं आप लोग को सब स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ना इतना साबित डाउट ना रहे। तो आप लोग जैसे क्रिएट न्यू सर्वर पे क्लिक करते हो, आप लोग को जावा एडिशन का सर्वर बनाना है। इससे ये फायदा होगा कि अगर हम लोग एक प्लगइन लगा के पॉकेट एडिशन के लिए भी ये सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। सो आप लोग को सिंपली अभी क्रिएट कर लेना है जावा एडिशन के लिए। और आप लोग देख सकते हो फाइनली अपना सर्वर क्रिएट हो चुका है। एंड उसके बाद आप लोग को सिंपली ऑन नहीं करना है सर्वर में, आप लोग को सिंपली 3 lines पे क्लिक कर देना यार। एंड आप लोग को सिंपली प्लगइन्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। सो गाइस, उसके पहले आप लोग को सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में जाना है। एंड सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में जाके आप लोग को सिंपली spigot/bucket वाला सर्वर बनना लेना है, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड आप लोग को हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही सिलेक्ट कर लेना है। इसका ये फायदा होगा, ये अपने आप सर्वर अपडेट करता जाएगा। एंड मैं आप लोग को ये ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोग ना कोई भी वर्जन से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रिक मैंने ढूंढ ली है। सो गाइस, अब इसके बाद आप लोग को सिंपली जाना है प्लगइन्स के ऑप्शन में। जैसे आप लोग ये सेटिंग कर लोगे, प्लगइन्स का ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। एंड गाइस, अभी देख सकते हो प्लगइन्स के ऑप्शन में आ गए। मैं अभी आप लोग को कुछ प्लगइन्स बताने वाला हूँ, आप लोग को वो सिंपली डाल देने। सो गाइस, आप लोग को लैग को खत्म करने के लिए आप लोग को सिंपली क्लियर लैग का प्लगइन डाल देना है। आप लोग देख सकते हो जैसे मैं स्क्रीन पे टाइप कर रहा हूँ ना, सेम टू सेम आप लोग को वैसे ही करना है। एंड वही वाला प्लगइन आपको डाल दे रहा है। एंड उसके बाद आप लोग को वापस से सर्च कर रहे हैं, आप लोग को डाल देना है MC Geezer, मतलब आप लोग डाल सकते हो Geezer MC। सो मैं अभी सिंपली गीजर डाल देता हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो अपने सामने आ गया है Geezer MC का प्लगइन। आप लोग को सिंपली ये वाला डाल देना है। एंड उसके बाद पॉकेट एडिशन के भी प्लेयर ज्वाइन कर पाएंगे। बट अभी 24/7 की ट्रिक बाकी, इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, हैकर फ्री बनाने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ आ जाना है। एंड आप लोग को डाल देना है Anti-AD वाला प्लगइन। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन आप लोग को मिल जाता है। सो गाइस, अभी देख सकते हो मैं जल्दी से सर्च कर लिया Anti-AD। एंड आप लोग को क्लिक कर लेना है ब्लॉक्स एडवर्टाइजमेंट एंड स्पैम। इसके मत से आप लोग के सर्वर में ना कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा अपने यूट्यूब चैनल की, अपने माइनक्राफ्ट के सर्वर की। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन मिल जाता है। एंड सेकंड आप लोग को डाल देना है Anti-AC। ये भी बहुत अच्छा प्लगइन है, ये अपने आप हैकर को डिटेक्ट करके ना किक कर देगा। सो आप लोग को देख सकते हो Anti-AC क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग डाल सकते हो। और एक बहुत ही और एक अच्छा प्लगइन मैं आप लोग को बता देता हूँ, ग्रीफ प्रिवेंशन। आप लोग को पता होगा मेरे सिम पे मैंने लैंड क्लेम लगाया है, इसके मदद से आप लोग लिटरली लैंड क्लेम लगा सकते हो। एंड ये ग्रीफर्स को अपने आप बैन या फिर किक कर देता है। ये प्लगइन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका एक पब्लिक SMP है तो। सो गाइस, अभी बात कर लेते हैं आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हो कोई भी माइनक्राफ्ट वर्जन से इस वाले सर्वर में। तो इसके लिए भी आप लोग को एक प्लगइन मिल जाता है, सिंपली आपको डाल देना है VR। वीआर डाल देने के बाद आप लोग को बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। वीआर डाल देने के बाद आप लोग को यहाँ बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। सो आप लोग को ये दो प्लगइन्स डाल दे रहे जो कि वीआर वर्जन एंड वीआर बैकवर्ड। सो आप लोग को सिंपली वीआर वर्जन में चढ़ जाना है एंड ये वाला प्लगइन डाल देना है। एंड आप लोग को वीआर बैकवर्ड्स का भी प्लगइन डाल देना है। उसकी मदद से नए और पुराने वर्जन के दोनों लोग ज्वाइन कर पाएंगे आपके माइनक्राफ्ट के सर्वर को। तो अभी मैंने वीआर वर्जन डाल दिया, यहाँ पे आप लोग को वीआर बैकवर्ड्स भी डाल देना है। इसके मत से ना पुराने वर्जन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्लगइन ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। सो गाइस, फाइनली अभी बारी आ चुकी है आप लोग कैसे बना सकते हो एक 24/7 माइनक्राफ्ट का सर्वर। तो इसके लिए मैं आप लोग को दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर एक काम करी ना तो अच्छा है, अगर वो काम नहीं करती ना तो सेकेंड ट्रिक भी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। सो इसके लिए आप लोग को सिंपली सर्च के ऑप्शन में आ जाना है। आप लोग को सिंपली सर्च कर लेना है ऑलवेज ऑनलाइन। सो सबसे पहले मैं सर्च कर लेता हूँ ऑलवेज ऑनलाइन। और उसके बाद आप लोग जैसे सर्च करते हो आप लोग को दो प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप लोग इनमें से कोई सा भी प्लगइन लगा सकते हो। बट गाइस, इतने से ही काम नहीं खत्म होता, आप लोग को सिंपली कमांड टाइप करना पड़ेगा जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो गाइस, आप लोग को सिंपली टाइप करना है /always online enable। इसके मत से ना आप लोग का सर्वर ऑनलाइन हो जाएगा। बट गाइस, ये कई कई सर्वर में काम नहीं करती, इसलिए गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड ट्रिक के बारे में।
सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो कि मैंने minecraftserverlist.com खोल दिया है। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है अगर आप लोग को अपना सर्वर यहाँ अपलोड करना है। इसके मत से होगा ये कि गाइस जैसे आप लोग अपना सर्वर यहाँ अपलोड करोगे, रैंडम बन जाए 24/7 आपके सर्वर में खेलते रहेंगे और आप लोग का सर्वर कभी ऑफलाइन नहीं जाएगा। सो आप लोग को सिंपली 3 lines पे क्लिक कर लेना है, एड सर्वर पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप लोग को सिंपली साइन अप कर लेना है। गाइस ये एकदम ट्रस्टेड साइट है। सो गाइस जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक कर लेते हो आपके सामने एड सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। मैं तो अभी साइन इन नहीं कर रहा, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। तो जैसे आप लोग साइन इन कर लोगे आप लोग को यूजर नेम पासवर्ड ईमेल सब डाल देना है ना आप लोग को, ना सिंपली साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग का साइन इन हो जाएगा और आप लोग जल्दी से अपलोड कर लीजिए अपना सर्वर एंड ये पब्लिक सर्वर हो जाएगा। इसके मत से 24/7 आपका सर्वर ऑनलाइन रहेगा। सो गाइस मेरे को कमेंट में जरूर बताना आप लोग को आज की इस वाली वीडियो कैसे लगे। एंड गाइस मैंने अभी आप लोग को 2 एकदम मजेदार ट्रिक्स बता दिए आप लोग कैसे कर सकते हो अपना सर्वर पब्लिक एंड 24/7 अपना सर्वर ऑनलाइन कैसे रख सकते हो। सो गाइस ये साइट की लिंक ना आप लोग सिंपली क्रोम पे सर्च कर देना। सो गाइस मैं भी आप लोग को इस साइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में नहीं देख सकता कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, आप लोग को सिंपली क्रोम पे जाना है, सर्च कर लेना है। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक कर देना। एंड गाइस आज मैंने आप लोग को बताया आप लोग कैसे बना सकते हो 24/7 फ्री माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन प्लस जावा एडिशन एंड हैकर फ्री, लैग फ्री, लैंड क्लेमिंग सारे जैसे प्लगइन्स मैंने आप लोग को बताया। एंड सबसे मेन ना 24/7 मैंने आप लोग को लिटरली 2 ट्रिक्स बताए हुए हैं, दोनों ना एकदम ही ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करने वाले हैं। एंड गाइस इसी बात पे जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। एंड गाइस अभी देख लेते हैं हमारी शाउट आउट कमेंट्स को। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए आप लोग को सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड आप लोग को अच्छी सी कमेंट डाल देनी है वीडियो के नीचे। एंड सबसे मेन बात आप लोग को वीडियो को फुल वॉच कर लेना है। सो गाइस आप लोग को भी मिल जाएगा शाउट आउट अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हो। सो गाइस अगर मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें अपन लोगों ने खेला था माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज का पार्ट 11 जिसपे अपन लोगों ने ना फाइनली बना लिया था एक केव स्पाइडर वाला एक्सपी फार्म, हमें एक्सपी फार्म की ना बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। एंड गाइस अगर आपने मेरे माइनक्राफ्ट थंडर सेशन में भी ज्वाइन नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लेना, उसके लिंक मैं आप लोग को सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड गाइस मेरी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस अभी आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है ना तो इसी बात पे मैं आप लोग को एक सीक्रेट बता देता हूँ, आप लोग को लेटेस्ट वर्जन की माइनक्राफ्ट की लिंक आप लोग को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगी। एंड गाइस आप लोग को IPN पोर्ट भी मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएगी। आप लोग को हाउ टू ज्वाइन थंडर सेशन की वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आप लोग को मैंने बताया एक सीक्रेट और अगर आप लोग को भी शाउट आउट चाहिए चैनल से जाके कमेंट कर लेना। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा लाइक कर देना, अच्छा बड़े भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।